हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ कमलप्रीत सिंह। टुडे वी डिस्कस अवर न्यू एक्सरसाइज 15A ऑफ क्लास 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप यू वॉच माय लास्ट वीडियो, इफ यू डोंट प्लीज वॉच इट। एक्सरसाइज 15A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर एंड हुज लेंथ इज डैश। ए बी सी तीन पार्टों में लेंथ दी गई है, ब्रेथ हमको निकालनी है, पेरीमीटर दिया गया। तो पेरीमीटर पहले लिख लेते हैं, कितना दिया गया। पेरीमीटर इक्वल टू दिया गया 25 सेंटीमीटर। ए ए में लेंथ आपकी दे दी गई है, पेरीमीटर आपका 160 सेंटीमीटर दिया गया है और लेंथ दे दी गई 25 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है, मैं शुरुआत में ही आपको इसे पहले वीडियो में आपको फॉर्मूले सारे डिस्कस कर दिए थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट, ये होती है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 160 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 लेंथ हमको पता है 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमको निकालनी है। ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 2 × 2 × 2 × 16 80 सेंटीमीटर, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या है, 25 प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, 80 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी, सॉरी ठीक है, 55 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ निकले। सिमिलरली इसके बी एंड सी पार्ट भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, विड्थ दी गई। विड्थ का मतलब मैंने पहले ही बोला था, ब्रेथ होती है, लेंथ निकालनी है। आपकी बार सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से होना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाई 40 मीटर, मनीष गोज 10 टाइम्स राउंड। देखो एक ये रेक्टेंगुलर क्या था, फील्ड थी इसकी लेंथ, तो 50 मीटर बाई 40 मीटर, लेंथ 50 हो गई इसकी और ब्रेथ 40 हो गई, ठीक। इसके 10 राउंड लगाता है, तो चारों तरफ लगाता है, मीन हमको क्या है कि वो उसकी पेरीमीटर पर बाउंड्री चक्कर लगा रहा है, तो हमको कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, तो पेरीमीटर यानी कि निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू आपका दिया गया है 50 मीटर, फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 40 मीटर लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर बाय महेश इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितनी है 50 मीटर प्लस 40 मीटर यूनिट यानी इसकी मीटर में थी, 2 × 90 मीटर इक्वल टू 180 मीटर, यानी कि एक एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 10 राउंड्स इक्वल टू 180 मीटर इंटू 10 इक्वल टू 1800 मीटर, इतनी डिस्टेंस वो 10 आउट में कवर कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 350 मीटर एंड ब्रेथ 250 मीटर ऑफ द रेट ऑफ 18.50 पर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, लिखा है पहले लेंथ कितनी लिखी गई वो लिख लेते हैं। लेंथ इक्वल टू दी गई है 350 मीटर और ब्रेथ यानी कि ब्रेथ इक्वल टू 250 मीटर दी गई है। कह रहा है कि उसकी फेंसिंग मतलब पुताई है जो भी, उसकी पुताई जो भी है, तो उसको कितना खर्च आएगा। तो जो फेंसिंग आपकी होती है चार दीवारी जो समझिए, उसके चारों तरफ होती है, उसके मतलब पहले बाउंड्री की लेंथ निकाल, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, तो 350 प्लस 250 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 0 = 10 3 × 5 = 6600 मीटर इक्वल टू 1200 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या थी, रुपीज 18.50 पर मीटर थी, तो हमारा इतने का निकालना है, तो 12,000 × 12,000 × रुपीज 18.50, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 12 5 16, ठीक है, 12 8 96 प्लस 6 1 0 2 10 कैरी, 12 1 12 और 10 22, ठीक ये हो गया रुपीज 22,000, इतने इसकी फेंसिंग का खर्चा आ जाएगा, ओके।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर, ईच साइड बी फेंस्ड फॉर 4 राउंड्स ऑफ वायर। तो वहीं से पैरीमीटर निकाल के 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर को आ जाएगा कितनी हमारी लेंथ ऑफ वायर है वो निकल आएगी। सिक्स क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पीस 72 मीटर बाई 58 मीटर, अमर वॉक्स अराउंड रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल टेकन इन 2 राउंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। पहले देखो लेंथ कितनी दी गई, लेंथ इक्वल टू 72 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 58 मीटर। कह रहा है अमर वॉक्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो वो कितने सेकंड में, दो कितने मिनट टाइम में 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होगा या फील्ड होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इसकी 72 प्लस ब्रेथ 58 मीटर हो गई, आंसर हो गया 2 इंटू 10 113 मीटर, 260 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 राउंड इक्वल टू 2 इंटू 26 260 मीटर इक्वल टू 520 मीटर। स्पीड कितनी दी गई थी, स्पीड इक्वल टू दी गई 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे हम लोग करना करना पड़ेगा 5.18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड 3 3 18 यानी कि 5.6 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अब टाइम टेकन निकाल लेते, टाइम टेकन इक्वल टू ट्रैवल कितना करना है, 520 करना है, 520। स्पीड क्या थी, क्योंकि हमको पता है टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती, 5.6 था, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 520 इंटू 6 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 बन जा 6, 6 टू 4 सेकंड आ गया। अब इसको अगर मैं मिनट में चेंज करते हैं तो 6 टू 4 अपॉन 60 इक्वल टू 60 बन जा 60, 10 मिनट 24 सेकंड, 10 मिनट 24 सेकंड लगेंगे इसको अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 120 मीटर बाय 100 मीटर, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल बॉय मेक इफ कवर 22, ही कवर्स 1222 मीटर। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 120 मीटर बाय 100 मीटर, यानी कि लेंथ इसकी हो गई जो तुम्हारी लेंथ कितनी है 120 मीटर और ब्रेथ कितनी है 100 मीटर। तो कह रहा है कि वो 2200 मीटर कवर करने में कितने डिस्टेंस, कितने राउंड लगाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ यानी कि 120, ब्रेथ प्लस ब्रेथ हो जाएगी मीटर इक्वल टू 2 इंटू 220 मीटर इक्वल टू 440 मीटर, इतना आ गया आपका। अब टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल कितना ट्रैवल करना है इसको, 2200 मीटर, 2200 मीटर ट्रैवल करना है, ठीक। तो अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हमको, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 राउंड, ओके। तो ये 2200 अपॉन 440, 00 कैंसिल आउट, 22 पंजा 22 00 2 जा 2 पंजा 2 5 10 इक्वल टू 5 राउंड्स। इसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 5 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ए लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स साइड दे दी गई लेंथ और ब्रेथ दी गई, सील अराउंड द टेप चारों तरफ लगाने के 5 सेंटीमीटर ओवरलैपिंग है। तो पहले जितना पेरीमीटर आएगा उसको 5 सेंटीमीटर हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। MCQs ट्राई टू डू योर सेल्फ, हो जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उनके सारे सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।